मैडम यू आर डबल कूल। विचार शिक्षण पर सार्वांगिकी उन्नतिम छात्राणाम विदधत विवेक विनया चार प्रचारैक धीहि चारित्र्योन्नति साधिका गुणगणैः सारल्य संसाधिका लोकेषु प्रचरेत सुशिष्य जनिदा शिक्षा सदा कामधुक सत्याचार शिक्षिकां शिक्षां साधयन्तः संसाधकाः अयि वार्तावली समीक्षकाः सस्नेहं स्वागतं समभिवन्दनं च इह स्वीकुर्वन्तु अहमस्मि लता चारित्र्योन्नति साधिकां गुणगणैः संपूजितां संस्कृतां संस्कृतिं सेवमानेभ्यः सहृदय समीक्षकेभ्यः अहम् नीतीश भारद्वाजः अपि समर्पयामि बद्धांजलिम् दर्शकाः समग्रतः शिक्षाप्रदं हि संस्कृत साहित्यं सत्याचार विचारभावैः अस्ति सर्वथा परिपूर्णम् एवमेव अस्ति तावत् आयान्तु दर्शकाः सर्वादौ शिक्षाप्रदेन सुभाषितेन एव कार्यक्रमं समारभामहे ज्ञानैर्मनो वपुर्वित्तैर्नियमैरिन्द्रियाणि च नित्यं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्विनवेशवान् वस्तुतः तपस्वी वही है जिसका मन ज्ञान से शरीर धन से एवं इंद्रियां संयम से सुशोभित हैं। तपस्वी के अपने वेश से कोई तपस्वी नहीं होता। Indeed, ascetic is one whose mind is adorned with knowledge, body with wealth, and senses with restraint. No one is ascetic because of his appearance as an ascetic. नीतीश सुभाषितं तु अस्मान् सुष्ठु समाचरितुमेव समुपदिशति तत्तु समुचितमेव वीक्षकाः साम्प्रतं सुष्ठु कर्म संचारकं क्रमं प्रति सरामः साप्ताहिकी ही प्रवाही वार्ताः च प्रस्तुमः द्विदिवसीय भूटान यात्रावधौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अभवत् भव्यं स्वागतम् तत्रत्यं सर्वोच्च नागरिक सम्माननम् अपि प्रधानमन्त्रिणे प्रदत्तं गतम् सहैव असौ थिम्पू इत्यत्र भारत सहायतया निर्मितं ग्यालत् सुवेन जेत्सुन पेमा मातृ शिशु चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयत् प्रवासक्रमे देशयोः मिथः सप्त सहमति पत्राणि अपि हस्ताक्षरितं गतानि दक्षिण कोरिया देशस्य सियोल नगरे आयोजितं समिट फॉर डेमोक्रेसी इति लोकतंत्रस्य शिखर सम्मेलनस्य तृतीयं संस्करणं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधितवान् अंतरराष्ट्रीय प्रणाली संस्थानादीनां समावेशात्मकं लोकतांत्रिकं सहभाग समन्वितं निष्पक्षं च स्वरूपं निर्मातुं तत्र आसीत् तदीयं आह्वानम् दिल्ल्याः मद्यनीतिगत प्रवञ्चना प्रकरणमालक्ष्य राउज एवेन्यू न्यायालयेन मार्च मासस्य अष्टाविंशति दिनांकं यावत् प्रवर्तन निदेशालये निगडने प्रेषितः दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः तत्रैव निगडनं विरुध्य आपदलीयाः कार्यकर्तारः अपि कुर्वन्ति प्रदर्शनम् भारत निर्वाचन आयोगेन लोकसभा निर्वाचनेभ्यः कृता दिनांकानां घोषणा देशस्य त्रिपञ्चाशदुत्तर पञ्चशत लोकसभासनेभ्यः सप्त चरणेषु मतदानं भविष्यति अथ परिणामः च जून मासिके चतुर्थे दिनांके प्रकाशयिष्यते एतन्मध्ये राजनीतिक दलानां प्रत्याशिनां नामसूचिः अपि क्रमशः प्रकाशमायाति असमराज्यस्य कुमार भास्कर वर्म संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालये द्वितीय दीक्षांत समारोहः भव्यतया अनुष्ठितं गतः समारोहे असम प्रदेशस्य राज्यपालः गुलाबचंद कटारिया इत्यसौ गतसत्रीयान् उत्तीर्णान् छात्रान् शोधच्छात्रान् च उपाधिं प्रदत्तवान् समारोहे विशिष्टातिथित्वं भारतीय भाषा समितेः अध्यक्षः पद्मश्रिया भूषितः चमू कृष्णशास्त्री अभजत
वैश्विक संस्कृत मंचस्य अथ माता सुंदरी महाविद्यालयस्य संयुक्त तत्वावधाने प्रथमं वैश्विक विदुषी सम्मेलनं दिल्ल्यां सुसंपन्नम्। सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रे मुख्य अतिथि रूपेण केन्द्रीय मंत्री पदासीना मीनाक्षी लेखी इत्येषा समुपस्थिता आसीत्। सहैव संस्कृत संस्कृति क्षेत्रीयाः विविधाः आचार्याः छात्राः च एतस्मिन् सम्मेलने भारतीय परंपरायां विदुषीनां अवदान विषये शोधपत्राणि व्याख्यानानि च प्रस्तुतवत्यः। प्रब्रोवो सुबियांतो इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः निर्वाचितः जातः। गिब्रान राका बुमिंग राका इत्यसौ अग्रिमः उपराष्ट्रपतिः इति घोषितः। अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके कार्यभार स्वीकृतिः। रशिया देशस्य राजधान्यां मॉस्को इत्यत्र जातं आतंक्याक्रमणं, तत्र 70 जनानां अभवत् मृत्युः, शताधिकाः च सन्ति व्रणिताः। आईएसआईएस इति आतंकिगुल्मेन स्वीकृतं आक्रमणदायित्वम्। ऐषमः आईपीएल क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाः अभवत् समारम्भः। प्रतियोगिता क्रमे चेन्नई नगरे जातायां प्रथम स्पर्धायां चेन्नई सुपर किंग्स दलेन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इत्येतत् दलं 6-0 पुरस्सरं पराजितम्। अवधेयं यत् एतस्यां प्रतियोगितायां दीर्घकालानन्तरं क्रीडेत् ऋषभ पन्तः। विश्व शांति सुखाधात्री संस्कृतान्विता संस्कृति हेतु संततम सत्य धर्मार्थमेव संप्रेरयति। एतादृशमेव लोकोपकारकत्वं गुणं संधार्य संस्कृतस्य संस्कृते उपनिबद्धानां साहित्यग्रन्थानां च सततं प्रचार प्रसारः जायमानः अस्ति। आम्, संस्कृतग्रन्थानां भूयोपि प्रचार प्रसारः भवेत्। एतदर्थं संस्कृतमध्येतुं छात्राः इतोपि आकृष्टाः भवेयुः इति ध्यात्वा काले काले देशे देशे च अनेकविधाः कार्यक्रमाः प्रतिस्पर्धादयः च आयोज्यन्ते। सत्यं, स्मरति वा अनतिचिरमेव संस्कृत नगर्यां वाराणस्यां समायोजितं गता सांसद संस्कृत प्रतियोगिता इति। आम्, नूनं स्मरामि। तत्र प्रतियोगितायां अनेकैः संस्कृत छात्रैः सोत्साहं समाचरिता सहभागिता। दर्शकाः, एतस्मिन् सांसद संस्कृत प्रतियोगिता विषये इतोपि अधिकम् अवगन्तुं पश्यन्तु अत्र सांसद संस्कृत स्पर्धा विषयकं वृत्तं हि एतत्। विमलसलिलतरङ्गायाः गङ्गायाः कूले स्थिता सुविख्याता प्राचीना नगरी काशी। काशीनगर्यां प्राचीनकालतः एव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यज्योतिः द्योतते। अधुनापि संस्कृतवाग्धारा अत्र सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। इत्थं हि काशीनगरी एषा भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलत्वेन अस्ति प्रख्याता। गतदिवसेषु एव काशीनगर्यां सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद छायांकन प्रतियोगिताः समायोजिताः। तत्र स्वयं काश्याः सांसदः भारतस्य च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विजेतृत्वम् अवाप्तेभ्यः प्रतिभावद्भ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्वतंत्रता सभागारे आयोजिते कार्यक्रमे अधिकाधिक संख्यायां छात्राः सहभागितां समाचरितवन्तः। अत्रांतरे प्रधानमंत्री विभिन्नासु प्रतियोगितासु विजयं प्राप्तानां छात्राणां अध्ययनशैलीं प्रशंसितवान् अथ उक्तवान् यत् जगज्जनाः ज्ञानशोधशान्तेः अनुभवं प्राप्तुं काशीमायान्ति। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् अस्माकं ज्ञान विज्ञानाध्यात्म विकासे यासां भाषाणां सर्वाधिकं योगदानमस्ति तासु संस्कृतभाषा महतां भजते। सः उक्तवान् यत् काश्याः वेदपाठः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इत्यस्य स्वरः अस्ति। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि है, संस्कृत उसका उद्गम है। इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता।
अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। काशी सांसद प्रतियोगिता विभिन्न क्षेत्रेषु प्रतिभा प्रवर्धनार्थं महत्वपूर्ण मंचत्वेन सिद्धा। एताः प्रतियोगिताः आलक्ष्य काश्यां महान् उत्साहः दृष्टिंगतः। अत्यन्तं सौभाग्यम् अस्माकं समेषां संस्कृतज्ञानां काशीस्थानां काशीस्थैः पण्डितैः संस्कृतस्य कृते शास्त्राणां कृते निरन्तरं प्रयासः क्रियते, किन्तु एतादृशम् उत्साहवर्धनं प्राथम्येन देशस्य यशस्विना प्रधानमन्त्रिणा कृतमिति ज्ञात्वा श्रुत्वा महान् मोदः। विदुषाम् अयमेव प्रयासः वर्तते यत् केन प्रकारेण काश्याः भौतिक विकासेण सह सांस्कृतिक विकासोऽपि भवेत्, संस्कृतभाषायाः यथोचितं सम्मानं यत् यादृशं प्राचीनकाले आसीत् तादृशं पुनः सर्वस्मिन्नपि विश्वे भवेत्। भारतीयायाः संस्कृतेः पारम्परिकशास्त्रस्य च संरक्षणं तन्निर्देशेन तेषां निर्देशेन अवश्यं भविष्यति इति अहं तत्र मन्ये। ते यत्र संस्कृतम् उद्दिश्य विचारयन्ति, अतः तान् प्रति अहं कार्तव्यं प्रकटयामि। एतादृश्यः प्रतियोगिताः नूनं हि न केवलं काशीनगर्यामेव अपि तु सम्पूर्णे अपि भारते ज्ञानस्य संस्कृतेः च उत्कर्षार्थम् अतीव महत्वास्पदाः सिद्धाः। वार्तावलिवृत्तम् डीडी न्यूज। उत्तमः सम्प्रेरकः हि आसीत् वृत्तविशेषः एषः। एतादृशाः कार्यक्रमाः संस्कृताध्ययनं प्रति छात्रेषु इतोपि रुचिं जनयन्ति। रुचिं तु जनयति, लेखकानां कार्यजातमपि। सत्यम्। प्रियवीक्षकाः, अधुना क्रमः आगतः कार्यक्रमान्तर्गतस्य विशेष संवादस्य। कः अस्ति अद्यतन त्रिज्या प्रभागातिथिः नीतीश? लते अस्माभिः अद्य आहूतः अस्ति विशिष्टः प्रकृष्टः वरिष्ठ लेखकः आलेखकश्च प्रमोद भार्गव वर्यः। वरिष्ठं लेखकम् अथ वार्तापत्रादिषु सदैव आलेखन कर्म निरतम् अत्र भवन्तं प्रमोद भार्गव वर्यम् अहं प्रणमामि, वार्तावल्यां च स्वागतं करोमि। प्रणाम। वस्तुतः भवता अनेकानि पुस्तकानि सन्ति लिखितानि येषां सम्बन्धः भारतीय ज्ञान परम्परया संयुतः अस्ति, तर्हि अहं संस्कृतानुरागी दर्शकेभ्यः तावत् तत्पक्षतः अहं ज्ञातुकामः यत् तेषु तेषु पुस्तकेषु भवता किं भावितम् इति स्वमुखादेव कृपया अत्र पुरस्करोतु। शुरुआत में तो मैं कहानी लेखक रहा हूँ, लेकिन मेरी बाद में जब मैंने अपने संस्कृत साहित्य को पढ़ा, वेदों को, वाल्मीकि रामायण को खासतौर से और महाभारत को, तो इनमें मैंने देखा इसमें तो बहुत विज्ञान है, जिसको आज हम पाश्चात्य विज्ञानों के माध्यम से लाया हुआ बताया जा रहा है वो तो हमारी इन सब किताबों में अंतर्निहित है। तो मेरी रुचियां थोड़ी बदली, परिवर्तित होना शुरू हुई और फिर मैंने वैज्ञानिक लेख लिखना शुरू किए जो कई पत्र पत्रिकाओं में छपना शुरू हुए, धर्मयुग से लेके अन्य तमाम पत्रिकाओं में। इसके बाद मैंने कहा नहीं, इसमें और गहराई से जाने की जरूरत है। ये तो वास्तव में जिन विज्ञान के सिद्धांतों को आज हम पाश्चात्य की देन मान रहे हैं ये तो जस की तस है। फिर मैंने जब उसके बारे में पता किया तो ज्ञात हुआ कि इसके फारसी में और अरबी में कई सैकड़ों साल पहले अनुवाद हो चुके हैं और वो लैटिन में अनुवाद हुए और फिर अंग्रेजी में हुए और वो एक तरह से ब्रिटेन और अमेरिका को जो हम मानते हैं कि वहाँ सबसे पहले ये खोजी हुई, तो वास्तव में उन्होंने इन्हीं से लिया। तो मेरी इस सिलसिले में दशावतार जो मेरा आत्मकथात्मक उपन्यास है जो जैविक विकास को बताता है, डार्विन को हम मानते हैं कि जैविक विकास उसने पहले दिया, लेकिन हमारा जो दशावतार का सिद्धांत है जिसमें मूलतः जो पांच आरंभिक अवतार हैं वो पूरे जैविक विकास के क्रम में हैं। अभी भविष्य का विज्ञान मेरी एक किताब आई है जिसमें जो डीप फेक, चैटबॉट, जो भी नई से नई चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो सबका उसमें उल्लेख है। और बाकी जो हमारा खगोलीय विज्ञान, चंद्रयान, गगनयान, इन सब चीजों को जो हम छोड़ रहे हैं और भविष्य में छोड़ने वाले हैं वो सबकी इसमें जानकारी है। तो मैं निरंतर इस दिशा में लिख रहा हूँ और आगे भी अब मैं इसी काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो नया उपन्यास मैं लिख रहा हूँ जिसमें कि
प्रलय के पहले, प्रलय की बात की चीजों को तो हम जानते हैं, लेकिन प्रलय के पहले दुनिया क्या थी, भारत क्या था और दुनिया क्या थी, उस समय कौन जो एक तरह से प्रणेता थे उस समय, जनता के जो नेता थे वो कौन लोग थे, इंद्र सूर्य आदि जो, और कहाँ ये सब लोग रहते थे, किस क्षेत्र में रहते थे, तो वो सारी जानकारियां इसमें आएंगी। 100,000 शब्दों से ऊपर का ये उपन्यास होगा और अगले साल 2025 में इसके प्रकाशन की संभावना है। तो मेरा ये काम इस दिशा में निरंतर चल रहा है। जी जी शोभनम। संस्कृत ज्ञानेन सर्वथा भवान अन्वितः, अथ वस्तुतः भविष्य का विज्ञान इति तावत् प्रसिद्धं पुस्तकं वर्तते भवत्कम्। अहं ज्ञातु कामः यत् संस्कृतगतं यत् विज्ञानमस्ति तस्य समालोचन दृशा भवान् अत्र किं विचारयितुं शक्नोति, नाम समालोचक रूपेण। देखिए, जो भविष्य का जो विज्ञान है मेरी पुस्तक, उसमें मैंने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जो वर्तमान जो तकनीक के माध्यम से जो आविष्कार हो रहे हैं वो उसमें कैसे थे। अब इसका एक उदाहरण देके मैं इसको सत्यापित करूंगा आपको कि आप सब जानते हैं महाभारत में जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो जाता है और उसके भी कई साल गुजर जाते हैं, तब कुंती और गांधारी की इच्छा होती है कि किसी तरह से अपने मृतक पुत्रों से मिला जाए। तो वो वेद व्यास से आग्रह करती हैं कि आप हमें अपने मृतक पुत्रों से मिलवाइए। तो वेद व्यास कहते हैं कि मैं मिलवा तो दूंगा, वो बहुत संक्षिप्त समय के लिए आएंगे और आपसे बातचीत करके वो निकल जाएंगे। तो आज हम डीप फेक की बात कर रहे हैं विज्ञान में, ठीक है ना, आपने भी सुना होगा, सभी जान रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहा है। तो डीप फेक के माध्यम से चैटबॉट की बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात, इन तीनों का समन्वित रूप है चैटबॉट। अब चैटबॉट में हम अंततः मृतकों से बात करा रहे हैं, उनकी जो संवाद है उनको दिखा रहे हैं। तो जब वेद व्यास अपने कुंती को, गांधारी को और अन्य जो जीवित लोग थे उस समय, उनको ले जाते हैं गंगा नदी के किनारे और वहां वो एक प्रणाली, अब देखिए महाभारत आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी चमत्कार की बात नहीं होती है। वेद व्यास करते हैं कि एक हमारे ऋषियों की जो प्रणाली है, युक्तियां हैं, उनके माध्यम से मैं आपकी बात कराऊंगा या आपको उनको दिखाऊंगा। तो वेद व्यास आह्वान करते हैं महाभारत में, इसका 22वें अध्याय में है, 32वां श्लोक और 20वां श्लोक। तदुत्सवम महोद्रगम हिरष्ट नारी नराह कुलम आश्चर्यभूतम ददृश्य चित्रम पटगतम यथा। इसका एक और इसी का श्लोक है आगे का, विधिम परम मत्स्याम ब्रह्म ऋषि विहितम शुभम सहन सृष्ट मनसह सर्वे देवलोक इवह मराह। सभी श्रेष्ठ पुरुष एक गंगा नदी में से, एक तरह से उन्होंने चूंकि जो चलचित्र जो लगाया हुआ था वो उसके किनारे लगा हुआ था, तो वो ऐसा लगता कि गंगा नदी में से जैसे निकल के आ रहे हैं और उस झिलमिलाते पर्दे पर, मतलब कपड़े के पर्दे पर, वो इसमें आगे लगे कपड़े के पर्दे पर वो एक एक करके सब प्रकट होते हैं और फिर चलते जाते हैं। तो वो ये चैटबॉट में भी जो चीजें दिखाई जाएंगी भविष्य में, जो आम फहम हो जाएंगी, तो वो वही चीजें दिखाई जाएंगी जो व्यक्ति की, जिनको की अपन ने कहीं किसी डाटा में उनको फीड कर रखा है। तो कोई प्रणाली उस समय ऐसी रही होगी कि उसमें वो चीजें उनके, जैसे कि उस समय हम दूरदर्शन की बात करते हैं, संजय पूरा जो दृश्य दिखाते हैं धृतराष्ट्र को युद्ध का, तो एक तरह से उस समय दूरदर्शन जैसी कोई प्रणाली थी, उन्हीं को, उन्हीं का डाटा उसमें इस पूरे युद्ध का जो संग्रह रहा होगा, तो उसी को शायद वेद व्यास जी ने दिखाया हो। क्योंकि जब युद्ध समाप्त हो जाता है और धृतराष्ट्र बाद में कहते हैं, तो संजय कहते हैं कि इसकी अवधि समाप्त हो गई, और वेद व्यास जब उस संजय को ये युक्ति देते हैं, तकनीक देते हैं, तो वो कहते हैं ये एक निश्चित अवधि के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है, युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ये अवधि समाप्त हो जाएगी। हम मोबाइल में डाटा भरवाते हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए रहता है, वो राशि के हिसाब से रहता है। तो वही सब महाभारत में था वो, और हम भगवान रजनीश को पढ़ें, आचार्य रजनीश को, तो उन्होंने, उनका अध्ययन तो बहुत विस्तृत था और वो उनकी चीजें उनकी स्मृति में भी ज्यादा रहती थी। तो वो कहते हैं कि जो
आज प्रलय जैसी स्थितियां एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई है, और जो विज्ञान का चरम विकास हुआ है वो एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, और जब चरम विकास चरम पर पहुंच जाता है तब उसका एक एक दिन अंततः अंत होता है। और हम सब आज महसूस कर रहे हैं कि जो समय है और जिस तरह से युद्ध की सामग्रियां बन गई हैं, यदि उनका इस्तेमाल होता है तो दुनिया कहीं नहीं रह जाएगी, और जो संचार प्रणाली से जो हम चीजें आज प्रयोग में ला रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। और इसको जब एक दो तीन पीढ़ी निकलने के बाद लोग कहेंगे कि हमारे समय में ऐसा था, तो लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे कि मोबाइल था जिससे दुनिया में बात कर सकते हैं। अवतरण, जैसे हम और बात कर रहे हैं तो एक तरह से अवतरण की स्थिति है, और विष्णु जहां भी कहीं जाते हैं तो अवतरित होते हैं, तो हो सकता है इस तरह की चीजें उस समय रही हो। तो हमारे संस्कृत ग्रंथों में ये चीजें बड़ी मजबूती से, पर ये सूत्र हैं, अब चाहे वो रामायण के सूत्र हों, चाहे महाभारत के हों, और चाहे वेदों के हों, सूत्र हैं। अब उसमें से सूत्र पकड़ के आप उसको शोध करिए उस पर, क्या ऐसा संभव है क्या। आज तमाम वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, जैसे अब अहिल्या का प्रसंग आता है रामचरितमानस में, आप सब जानते हैं कि अहिल्या को जब गौतम ऋषि इंद्र के साथ देखते हैं तो क्रोध में आकर उनको श्राप दे देते हैं कि, लेकिन अब श्राप भी इसमें दो तरह का है। रामचरितमानस में तो उनको शिला बना देते हैं तुलसीदास जी, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से लिखी हुई है, तो उसमें कहते हैं गौतम ऋषि कि हवा पीकर जिंदा रहो तुम। अहिल्या जो है एकांत में रहती हैं, आश्रम में रहती हैं, और हवा पीकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके पुत्र और पुत्रियां उनकी सेवा में भी रहते हैं, जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब हम देख रहे हैं वर्तमान में कि हवा वायु से भोज्य पदार्थों का संग्रह किया जा रहा है, ऐसा भारत में भी हो रहा है, और हमारे यहाँ बेंगलोर में एक स्टिंग बायो संस्था है तो वो भी इस तरह से भोजन बनाने का काम कर रही है। और अभी जो उसने भोजन बनाया है वो प्राणियों के लिए, मतलब मवेशियों के लिए बनाने में उसने सफलता हासिल कर ली है, और उसमें असल में स्वाद नहीं है, इसलिए उनका कहना है कि इसमें और सुधार करके इसको ऐसा किया जाएगा कि मनुष्य भी इसको ग्रहण कर सके। तो ये प्रयोग निरंतर हमारे यहाँ चल रहे हैं, और इन ये सब वैज्ञानिक प्रयोग हैं। अब हम शिला वाली बात को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि वाल्मीकि जो कह रहे हैं हवा पीकर जिंदा रहो तो उस बात को कम महत्व देते हैं। अब जब वैज्ञानिकों को ये अंश पकड़ने की जरूरत है कि वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत माध्यम नहीं है, हिंदी माध्यम नहीं है, एक जब हम देश आजाद हुआ तो उसके तत्काल बाद अंग्रेजी माध्यम चला, और अंग्रेजी पुस्तकों को, अंग्रेजी साहित्य को, अंग्रेजी विज्ञान को हमने महत्व दिया, तो उससे वो चीजें हम भूलते चले गए, हमारे स्मरण में नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद कई वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने महाभारत से, रामायण से सूत्र लेके अपने काम को आगे बढ़ाया। अस्तु महोदय, अत्र भवता बहु किमपि विचारितं यत् श्रावं श्रावं मन्ये अस्मदीयाः दर्शकाः अपि लाभान्विताः भवेयुः। तावत् अत्र भवते अहं धन्यवादं ज्ञापयामि, यतो हि भवता अस्मदर्थं वार्तावल्यर्थं समयः कल्पितः इति। नमो नमः, धन्यवादाः च। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। साधु प्रमोद भार्गव वर्यस्य तथ्यपूर्ण विचारान् श्रुत्वा प्रतीयते यत् कियति अद्यतनी परिपुष्टा च अस्ति अस्मदीया भारतीय साहित्य परंपरा। आम, ज्ञानात्मक पक्षः तु इदानीम् अभवत् पूर्णः, परं मनः तु आगामी होलिकोत्सव वातावरणे उत्कण्ठितमस्ति, श्रोतुं किमपि गीत संगीतं लते। सत्यं वदति, अत एव कार्यक्रमे अधुना साहित्य संगीत निर्झर्याः अस्ति समयः। आगच्छन्तु शृणुमः, आस्वादयामः च सुमधुरवाण्या भूषितं होलिकोत्सवाधारितं गीतम् एतत्।
दर्शकाः ससंस्कृतं साहित्य संगीत संस्कृति समन्वितं कार्यक्रमं वीक्ष्य कथम अनुभूतवन्तः भवन्तः इति निश्चप्रचं लिखन्तु पत्र माध्यमेन। प्रिय दर्शकाः अधुना कालः समायातः प्रयाण वेलायाः आगामिनि अंके पुनः मेलिष्यामः। अधुना तावत् आसन्न प्रायस्य होलिकोत्सवस्य सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः नः विशेष शुभकामनाः। नमो नमः।